दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल अपना देसी ब्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार मिश्रा और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बताऊंगा जो आप LIC और रिलायंस का एजेंट बनके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं भी LIC का एजेंट हूँ। अभी मैंने दो तीन मतलब फॉर्म को जो है सो फिलअप किया है, मतलब हमको अभी पार्टी नहीं मिल रहा है जो पॉलिसी किसको करें, तो मैंने अभी स्टार्ट किया है। इसमें अर्निंग अच्छा है, कितना अर्निंग है सब कुछ मैं बताऊंगा। यदि आप LIC में ज्वाइनिंग लेते हैं तो अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं अपने गाँव में रह करके और अपने पड़ोसी रिश्तेदार और बहुत सारे ऐसे मतलब हैं आपके गांव में जिनको LIC की जरूरत है, उनके उनसे जाके मिले, आप एडवाइजर का LIC में काम करें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, नीचे सब्सक्राइब कर का जो लाल बटन है उसको प्रेस कर देंगे ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए। दोस्तों ये क्या है LIC? LIC में आपको क्या करना है, सिंपल इसे IRDA का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। उसके लिए आपको जो है दोस्तों 10th पास का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक 12th पास का कोई भी बोर्ड से मतलब हो आप, मतलब ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आपके पास एक होना चाहिए आधार कार्ड और एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट। ये यदि आपके पास है तो आप LIC का एजेंट बन सकते हैं। LIC का क्या, कोई भी कंपनी का, बिरला सन लाइफ हो चाहे रिलायंस हो चाहे जो है आदित्य बिरला, बहुत सारे ऐसे मतलब ICICI बैंक का आप बन, बहुत सारे ऐसे एडवाइजर हैं जिस जो आप बन करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको टारगेट फेस करना होता है दोस्तों, एक और है दोस्तों SBI लाइफ का भी आप एजेंट बन सकते हैं, ये भी अच्छा है। SBI लाइफ जो है आगे के टाइम में बहुत ग्रो करेगा और ये अच्छा है दोस्तों। SBI लाइफ का यदि आप एजेंट बनते हैं, ये दो चार भी पॉलिसी हो जाता है तो आपको अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। दोस्तों पॉलिसी आगरा की चीज़ है, यदि आप किसी को बोलेंगे जो पॉलिसी दे दो तो वो नहीं देता, उसको मतलब है जो कन्वेंस करें कैसे वो पॉलिसी देगा और उनसे पॉलिसी लें और जो है सो अच्छा खासा कमाई करेंगे। देखिए पॉलिसी कोई वैसे नहीं देता, प्लान उनको जो समझाना पड़ेगा अच्छे से, मतलब क्या प्लान है कैसे है, उसके बाद जो है सो वो पॉलिसी देंगे। ये LIC का जो है काम बहुत अच्छा है। LIC जो है सो भारत सरकार का उपकरण है। यदि आप इसमें ज्वाइनिंग ले लेते हैं और कुछ मतलब है जो 10 पॉलिसी भी दे देते हैं तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट आदमी हैं, आप 12th पास हैं तो इस काम को आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अपने गांव एवं मतलब शहर में हर एक व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं पॉलिसी करवाते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो मतलब आपको यदि इच्छा है तभी आप LIC का एजेंट बने। LIC का एजेंट बनना बहुत आसान है, बस LIC ऑफिस में जाकर सबको फिलअप करना है। उसके बाद आपको एक 50 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। IRDA का एग्ज़ाम आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा और ये एग्ज़ाम दोस्तों ऑनलाइन होता है, रिजल्ट भी उसका तुरंत दे दिया जाता है। उसमें आपको जो है 17 से 18 नंबर लाना है। उसके बाद जो है सो कंपनी आपको मतलब उसमें जो है सो ज्वाइनिंग लेटर सब भेजेगी, बहुत सारा चीज़ उसमें आपका कोड वगैरह आ जाएगा। दोस्तों LIC का एजेंट बहुत अच्छा है, अभी के टाइम अर्निंग करने के लिए LIC का एजेंट बनना बहुत ज़रूरी है। LIC मतलब है क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। कोई भी व्यक्ति हो चाहे आपके गांव के हो, 30-35 एवं मतलब वो LIC कहीं ना कहीं करवाते हैं। अपना एक कार्ड टैप से बनवा ले, जो मैं भी LIC करता हूँ, कार्ड बनाने के बाद जो है सो 50 से 100 आदमी को वो कार्ड बांट दे। यदि उसमें से आपको 10 आदमी भी 15 आदमी भी जानता पहचानता है तो वो आपको जरूर संपर्क करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपके वो मतलब दोस्त हैं, मतलब तो उनसे ही आप करवाएंगे, आपसे ही करवाएंगे। क्योंकि बस देखिए दोस्तों LIC जो है सो बहुत मतलब अभी के टाइम में ग्रो कर रहा है और हर व्यक्ति आजकल कोई LIC का प्लान लेना चाहता है और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो लेकर ऑलरेडी मतलब कहीं ना कहीं से करवा लिए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँ, जो व्यक्ति पहले से करवा लिए हैं बहुत अच्छा है, लाइफ इनका सिक्योर है, लेकिन LIC का आप एजेंट बने और उससे अच्छी खासी कमाई हो सकती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ SBI लाइफ का, तो दोस्तों इसमें 20% आपको कमीशन मिलेगा। जैसे कोई भी मतलब पॉलिसी है 15,000 का तो उसमें 20% आपको कमीशन मिलेगा। दोस्तों ये टर्म आपको जो है 10 साल का यदि प्लान है तो 10 साल तक आपको 20% कमीशन दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। दोस्तों और मतलब रिलायंस का क्या है, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस है तो उसमें भी आप जो है अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं रिलायंस का एडवाइज़र बन के। उसके लिए आपको नियरेस्ट रिलायंस का जो मतलब लाइफ इंश्योरेंस का कार्यालय है वहाँ पर मतलब विजिट करना है। विजिट करने के बाद जो है सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12th का सर्टिफिकेट। और उसके बाद यदि आपका जो है एग्जाम का डेट निर्धारित किया जाएगा कि कब एग्जाम है आपका, वहां पे एग्जाम देने के लिए आप यदि जाएंगे तो एक पैन कार्ड लेकर जरूर जाएं। पैन कार्ड से क्या होगा दोस्तों, वो आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट वहां पे एक अंगूठा लिया जाएगा। अंगूठा लेने के बाद वहां पे ऑनलाइन एग्जाम आपको होगा। यदि ऑनलाइन एग्जाम में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहता है दोस्तों, यदि आप चाहें तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, यदि आप चाहें तो हिंदी में भी दे सकते हैं। एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें और 18 नंबर लाना है आपको दोस्तों, 18 मार्क लाना है। 18 मार्क के बाद आप सिलेक्शन हो जाएगा एडवाइज़र में। यदि आप एडवाइज़र बन जाते हैं दोस्तों
तो आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं गांव एवं शहर में रहकर, कहीं से भी ये काम कर सकते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में रहकर भी कर सकते हैं, यदि आप शहर में रहते हैं गांव से तो वहां पे भी कर सकते हैं। देखिए वहां पे भी बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे जिनको पॉलिसी की जरूरत होगा, जब आपके दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर हैं उनको भी पॉलिसी का जरूरत होगा, वो कहीं ना कहीं से करवाते होंगे। तो आप यदि एजेंट बन जाते हैं तो आपके लिए मतलब अच्छा होगा, वो आप ही से संपर्क करेंगे। मैंने क्या कहा दोस्तों, कार्ड बनवा लें अपना, जो मैं क्या काम करता हूँ ये कार्ड बनवा करके जो है सो अपने पूरा एरिया में बांट दें। कम से कम दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप LIC का एजेंट बनना चाहते हैं तो 300-400 कैलेंडर छपवा लें और बहुत सारे ऐसे मतलब आपके दोस्त वगैरह घर घर में बांट दें कैलेंडर। यदि देखेगा ना आपका दोस्त, यदि ये मेरा दोस्त LIC का एजेंट है तो वो आपसे संपर्क करेगा, यदि आप उनको कोई प्लान लेना हो तो आपसे जरूर संपर्क करेगा। दोस्तों आशा करते हैं यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, एक कॉमेंट कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।